आइए हम लोग अपना विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा रसायन विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक, उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखा था। उसमें किसका एग्जाम्पल देखा था, सोच के बताइए। एल्कीन का। वेरी गुड, एल्कीन देखा था। आज हम लोग देखेंगे, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, एल्काइन के बारे में। तो एल्कीन में क्या था, हम लोगों ने जो इससे पहले सीखा था, तो ये हमारा इस सेशन में एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल? डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक। तो आज हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो हमारा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद ट्रिपल बॉन्ड के त्रिआबंध वाले जो हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। तो ये जो है इनके हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो हो गए हैं हमारे क्या, एल्काइन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बेसिक हमने सीखा है एल्केन, उसमें जो एन है इसको हम माइनस कर देंगे और इसमें हम लगा देंगे आयन, तो हमारा बन जाएगा एल्काइन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। इसको अभी हम देखते हैं, देखिए ये है CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग जैसा हमेशा करते हैं कि हम n की वैल्यू, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसका हम सोचते हैं, अगर जब कार्बन एटम एक है तब हम क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं हम, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसको, वो वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो अब आप देखिए, अब हमारे सामने तीनों जनरल फॉर्मूला आ गए। एल्केन का है, सोच के बताइए जल्दी से, बिल्कुल ठीक, CnH2n+2। एल्कीन का सोचिए, हाँ CnH2n, ठीक है। अब एल्काइन का, ये आपके सामने, CnH2n-2। तो हम लोगों ने देखा कि CN कॉमन है, H2N, अगर देखे CnH2n सब में कॉमन जा रहा है। एल्केन में हम उसके साथ 2n+2 कर रहे हैं, एल्कीन में 2n रख रहे हैं, और एल्काइन में आके -2 कर दे रहे हैं। तो जो भी आपको वे समझ में आ रहा है उससे ये याद कर लीजिए, क्योंकि फिर आपका कोई भी इससे रिलेटेड, कोई भी आपको इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो, आप इजिली निकाल सकते हैं, अगर आपको कार्बन एटम्स के नंबर आपको मालूम हो। तो इससे हमने जब ये कैलकुलेट करा, हमने जब कार्बन एटम को एक लिया और जब हमने उसकी वैल्यू रखी, तो हमारे पास क्या आया, CH0, क्योंकि 2 1 2, तो 2 -2 हो गया 0 और C एक है। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और हम उसमें कहीं हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और प्लस हमको ये भी मालूम है, जब हम एल्काइन की बात कर रहे हैं तो त्रिआबंध आवश्यक है, ट्रिपल बॉन्ड आवश्यक है। अब जब कार्बन एक ही है तो वो किस, और कार्बन के साथ ही उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो जब दूसरा कार्बन है नहीं तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमने जो मीथेन देखा था, एल्केन में ही हमें मीथेन मिल रहा है। एल्कीन और एल्काइन में हमें इस टाइप का कोई भी यौगिक नहीं मिलता है, तो अतः कार्बन के एक परमाणु वाला कोई भी एल्काइन संभव नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक परमाणु कार्बन का है तो एल्कीन भी संभव नहीं है और एल्काइन भी संभव नहीं है, संभव क्या है, सिर्फ एल्कीन। तो ये हम इसलिए ये बातें रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही आएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है, इस टाइप का कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, आपको फ्लोरीन
फॉर्मूला दे दिया, आपको नाम दिया, आप उससे पहचाने, तो आप देखिए, इसलिए फॉर्मूला उसमें आपको नाम से हम बता रहे हैं एनी, ये आपका एल्केन हो गया, जिसमें ई एनी आ रहा है वो एल्कीन हो गया, जिसमें वाई एनी आ रहा है वो एल्काइन हो गया। तो ऐसे ये इन्हीं के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको अगर आपने समझ लिया तब आप कहेंगे अरे ये तो हमारा चैप्टर आधा तो तैयार है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं अगर जब कार्बन की जो संख्या है वो दो हो, ठीक है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये जो है ये टू ऊपर हो गया, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे टू इंटू टू जाएगा और -2, क्लियर हुआ। तो सी हमें एन की वैल्यू टू है तो यहाँ पे टू आ गया, और ये एच का टू यहाँ पे, ये जो टू है ये आ गया और एन का टू ये आ गया, तो टू इंटू टू -2, तो हमारे पास क्या बचा, टू टू जा फोर, फोर -2 टू, तो हमारा फॉर्मूला आ गया C2H2। और हम जानते हैं जब दो कार्बन एटम है तो हम आता है इथेन, लेकिन यहाँ क्या है आइन लगाना है, क्योंकि ट्रिप पे हमारा ये एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इथाइन, और इस इथाइन को हम जनरल नाम एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी कभी सीधे यह कहते हैं एसिटिलीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, या एसिटिलीन का क्या एक मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, तो और एसिटिलीन ऐसे एकदम याद नहीं आता है, तो आप याद रखें इथाइन मींस एसिटिलीन, और फिर आप करें। अब आप देखिए हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं ये एल्काइन है तो हम, और दो कार्बन एटम है तो हमने पहले सी और सी लिखेंगे, और इसके बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, तीन बॉन्ड। अब एक दो तीन हो गए, अब एक बच रहा है बस, तो एक यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो हमारा फॉर्मूला जो बना है C2H2, ये एक उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब हम दूसरा देखते हैं जिसमें हमारा N इज इक्वल टू 3 है, मीन्स कार्बन एटम जो है वो तीन है, जब कार्बन एटम तीन है तो हमारा CN, N की जगह 3, 2N, इस N की जगह 3, -2, तो कितना हुआ 2 3 6, और 6 -2 हो गया 4, और C यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, C3H4 जाएगा, प्लीज बच्चों नोट कर लीजिए, यहाँ पे C3 जाएगा, क्लियर हुआ। तो हमारा आ गया C3H4, प्लीज नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एन की वैल्यू है 3, मीन्स कार्बन एटम की वैल्यू है 3। आइए अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारा है जब एन की वैल्यू 3 है, क्लियर। अब जब एन की वैल्यू मीन्स कार्बन एटम की वैल्यू 3 है, मीन्स कार्बन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो हमने सी एन की जगह हमने लिखा 3, 2 इंटू एन की जगह यहाँ पे 3 एंड -2, तो हमारा क्या हो गया C3, और यहाँ की क्या वैल्यू आएगी 2 3 6, 6 -2 4, हमारा जो अब बना वो बना C3H4। तो जब कार्बन एटम 3 है तो मीथेन इथेन प्रोपेन, क्लियर हुआ, लेकिन ये एल्काइन है तो ये क्या हो गया प्रोपाइन, तो यहाँ पे एन हटा वाई एन ई लग गया, ये बन गया प्रोपाइन। अब यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका कैसे करेंगे, तो देखिए 3 कार्बन एटम है तो हमने 3 कार्बन एटम लगाए, उसके ये एल्काइन है तो इसमें 3 हमने क्या करे बॉन्ड बनाए, और उसके अकॉर्डिंग हमने एच एडजस्ट कर दिए, तो एक दो तीन, एक एच यहाँ पर आ गया, एक दो तीन, ये 4 इसका पूरा सी का हो गया, और इस सी के लिए 1 2 3 4। तो आप ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है इन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दो के बीच में भी हो सकता है,
लेकिन फिर हमें एच को वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो चार उसकी जो टेट्रा वैलेंसी है उस प्रॉपर्टी को वो फुलफिल कर सके। इसके बाद देखते हैं, जब हमारा कार्बन एटम चार है तो मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो सबसे पहले चलिए हम नाम पे आज ध्यान देते हैं। तो ब्यूटेन, एन हट गया, आयन लग गया, ये बन गया ब्यूटाइन। अब ये जो ब्यूटाइन है इसको देखिए, एन की वैल्यू चार, तो यहाँ कार्बन एटम में एन की वैल्यू चार, फिर ये टू एन माइनस टू, तो टू फोर जा एट, एट माइनस टू सिक्स, हमारा फॉर्मूला बना सी फोर एच सिक्स। क्लियर हुआ? अब हमने चार कार्बन एटम करे, दो के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने एच को एडजस्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखिए, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए तो सबसे पहले जो कार्बन एटम जितने हैं उतने आप पहले वो ड्रॉ करिए, चार बार कार्बन एटम बॉन्ड के साथ जोड़िए, फिर देखिए आपका अगर एल्काइन है तो दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, और एल्केन है तो खाली सिंगल बॉन्ड रखिए, और फिर हाइड्रोजन को आप उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग सेट करिए। तो हमेशा एक जनरल उसमें हम करते हैं, जो कार्बन है इसकी हमें चार वैलेंसी ऐसे दिखानी पड़ती है। आप ये काउंट करते चले जाइए, चार चार होते चले, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हम देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला जा रहा है सी एन एच टू एन माइनस टू, यहां पर भी ध्यान दे दीजिए, टू यहां पर आएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये है, तो ये आप ध्यान रखें, जैसे हम इसमें बॉन्ड मास ही समझिए कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर हम माइनस टू करेंगे, तो ये कभी मिस्टेक नहीं करिए कि आप यहाँ पे कर दीजिए। तो याद रखें पहले आपको मल्टीप्लाई करना है बॉन्ड मास के अकॉर्डिंग और फिर आपको माइनस करना है। ये छोटे छोटे टिप्स है, समझ लिए तो चैप्टर बहुत इजी है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने एल्काइन के बारे में देखा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन के बारे में देखा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है बोलिए एक बार, सी एन एच टू एन माइनस टू। तो अगर आपने ये चीज समझ ली, और एल्काइन में बॉन्ड कितने होंगे, सिंगल डबल या ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये चीजें हमारी ये बेसिक है एल्काइन्स को समझने के लिए, और वो आज बेसिक हम लोगों ने समझ लिया, उसको अच्छी तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी समझ लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समझ लिया। तो ये था हमारा आज के सेशन का टॉपिक। अगले सेशन में, अभी आप जैसा जानते हैं चैप्टर के और भी टॉपिक्स हैं, वो अगले सेशन में मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी अब तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें और अपने आप अपने से क्वेश्चन पूछो, देखिए उसके आंसर दे सकते हैं या नहीं। तो अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए, बाय।